जिसका जमकर विरोध हुआ, उस सेंट्रल विस्टा का एवेन्यू वाला हिस्सा तैयार हो गया है। ये वही हिस्सा है जो अभी तक राजपथ कहलाता था, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे तो इसके साथ ही राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बस 21 महीने लगे और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की नई पंचायत का कर्तव्य पथ तैयार हो गया। अब नई लोकसभा, नई राज्यसभा, नया सेंट्रल हॉल, सब कुछ इन खूबसूरत नजारों के बीच होगा। अलग अलग दफ्तरों का मकड़जाल टूट जाएगा। बड़े काम से हाथ खींचने वाला भाव पीछे छूट जाएगा। जो ठान लिया वो कर दिखाया, इस एहसास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को देश को समर्पित करेंगे। 2021 में ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बिल्कुल बनकर तैयार है, जिसमें कर्तव्य पथ होगा, जिसका पुराना नाम राजपथ हो जाएगा। 8 सितंबर के बाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, तो बड़ा रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। 19 महीने बाद ये सेंट्रल विस्टा का जो इलाका है वो दोबारा से आम लोगों के लिए खुल रहा है। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, रेल भवन है, संसद भवन है, कृषि भवन है, निर्माण भवन है, उद्योग भवन है, रक्षा भवन है, राष्ट्रीय संग्रहालय है और राष्ट्रीय अभिलेखागार भी है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी था, उसको ख़त्म करके वहाँ पर भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बिल्डिंग बनाई जा रही है, ताकि इन जो मंत्रालयों के हमने नाम लिए उसमें से कुछ मंत्रालयों की इमारतें जर्जर हो गई हैं, उसको वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके। 2020 में 10 दिसंबर को एक तरफ कोरोना की महामारी थी, लोगों के जहन में लाचारी थी, लेकिन आपदा में भी अवसर तलाश लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया कि अब बनकर रहेगा सेंट्रल विस्टा। और देखिए कि 21 महीने भी नहीं हुए कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हिंदुस्तान को जश्न मनाने का एक शानदार मौका मिल गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपना नया मंदिर मिलने का रास्ता खुल गया। पीएम मोदी जानते थे कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मोदी ही क्या जिसका रास्ता किसी मुश्किल से डिग जाए। आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। लोकतंत्र को नया आशियाना मिला, सरकारी दफ्तरों को नया ठिकाना मिला, लेकिन प्रतीकों की लड़ाई यहाँ भी चली। जिस पथ को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बीते 67 सालों से राजपथ के नाम से जानता था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ बना दिया। ये कर्तव्य पथ करीब 3 किलोमीटर लंबा है। इस पर 4087 पेड़ हैं, 114 आधुनिक इंडिकेटर हैं, 9 से अधिक लाइट्स लगी हैं, 8 सुविधा खंड बनाए गए हैं। इसका क्षेत्रफल 1,10,457 वर्ग मीटर है। 987 कंक्रीट के बने मोटे खंबे लगे हैं, 1490 मैन होल बने हैं, 4 पैदल यात्री अंडरपास बने हैं, 422 बेंच हैं जो लाल ग्रेनाइट से बनी हैं, 6 नए पार्किंग स्थल बने हैं, 6 वेंडिंग जोन बने हैं, 1580 लाल सफेद बलुआ पत्थर के बोलार्ड्स बने हैं, 150 डस्टबिन कूड़े के लिए लगाए गए हैं और इस कर्तव्य पथ के किनारे 19 एकड़ में फैली नहर को फिर से विकसित किया गया है। विजय चौक से इंडिया गेट की तरफ जो 3 किलोमीटर का इलाका है वो उसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया जाएगा। उस इलाके को राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया जाएगा। और देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री का नया आवास भी बनना है इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, और उपराष्ट्रपति का भी नया आवास बनना। और देखिए, जब 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इस कर्तव्य पथ का, इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से का उद्घाटन करेंगे तो ये बैरिकेड जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब यहाँ से हट जाएंगे। अभी सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पर बैरिकेडों को लगाया गया है, आम लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। और ये जो रास्ता है खूबसूरत, यहाँ पर आप टहलते हुए घूमते हुए आएंगे तो आपको इस इलाके की जो खूबसूरती है वो आपके मन में बैठ जाएगी और आपको एहसास कराएगी कि वाकई में ये इलाका पहले किस तरह था और अब किस तरह से बेहद खूबसूरत होता जा रहा है। कर्तव्य पथ तो तैयार है जिस पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चलेंगे। आज ये तस्वीरें इतनी सुहानी लग रही हैं तो इसलिए कि प्रधानमंत्री ने इसे अपना कर्तव्य मानकर पूरा किया। एक साल पहले 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में हिस्सा लेने के बाद 17 घंटों की हवाई यात्रा करके जब पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे तो सीधे सेंट्रल विस्टा का काम देखने के लिए पहुंचे थे। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। कर्तव्य पथ तैयार है, अब देश निर्माण जिनका कर्तव्य है उनके लिए घरों दफ्तरों का निर्माण होना बाकी है। जल्द ही सेंट्रल विस्टा में आपको नया प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास और मंत्रालयों के नए दफ्तर दिखेंगे। दिल्ली से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।